हेलो एंड वेलकम केस जो आप सर। तो गाइस जैसे कि आप सभी जानते हो आज आ गया हमारा कॉलबैक इवेंट। तो फटाफट कॉलबैक इवेंट कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं एंड आपको सबसे इजी ट्रिक बताऊंगा कॉलबैक इवेंट करने के लिए। काफ़ी बंदे जो फ्रेंड को रिफेयर करते हैं वो करते हैं, सेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैंने एक तो अपने फ्रेंड का ये कॉलबैक इवेंट कम्प्लीट कर दिया, ये एम्पीरियल का कम्प्लीट किया पहले मैंने, अभी अपने भी करेंगे। चलो अपने बाकी अकाउंट में चलते हैं, मेरे आपको पता है काफ़ी अकाउंट बना रखे हैं, तो चलते हैं अपने दूसरे अकाउंट में ऐड करते हैं कॉलबैक इवेंट कंप्लीट, एक एक करके सारे करते हैं। इस बार ज़्यादा कॉलबैक इवेंट में नहीं दिए गए, ओनली आपको 3 ही फ्रेंड को इनवाइट करना है, जिसमें काफ़ी बंदे तो कंफ्यूज ये चीज़ में रहते हैं कि कोई फेसबुक पे शेयर करता है वहाँ पर शेयर करता है, आपको शेयर कहीं पर नहीं करना। आपको जो अपने पुराने अकाउंट है उनको, जिनको आपको 7 दिन से पहले नहीं खोला है उन अकाउंट को खोलना है। और यहाँ पर आप जैसे ही खोलोगे यहाँ पर ऊपर आपको देखो डायरेक्ट मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ओ भाई क्या यार, इसमें पहले खेला हुआ है इस अकाउंट में, इसीलिए सीजन चेंज हो रहा है। तो इस मंथ को काफ़ी दिन हो गए, एक मंथ हो गया होगा शायद इस अकाउंट को खोले हुए। तो चलो इसमें देख लेते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ देखो कॉलबैक इवेंट। चलो अबे यार चलो ये क्लेम कर लेते हैं पहले कस्टम वगैरह। ओके 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 चलो ये कर लेते हैं फिर दिखाता हूँ आपको। एक सेकंड यहाँ पे देखो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर कॉलबैक इवेंट आ रहा है, जिस अकाउंट को आप खोलोगे यहाँ पे ऊपर देखो ऐसे यहाँ पे आप यहाँ पे आपको आईडी डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। बस यहाँ पे आपको सिंपल सी आईडी अपनी आईडी पेस्ट करनी है। एंड अभी एक सिस्टम और आ गया, पहले क्या होता था अगर आप किसी न्यू अकाउंट में करते हो जिससे आपको पहला फ्रेंड नहीं था तो यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट कॉलबैक इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर उस अकाउंट से पहले आपका कॉलबैक इवेंट एक बार किया हुआ है तो ये आईडी उस अकाउंट में फ्रेंड होना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हो कॉलबैक इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ ना, अभी जैसे ही मैं इस अकाउंट को जाके अपने रियल अकाउंट में फ्रेंड बनाऊंगा उसके बाद मैं करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी देखना अभी क्लेम हो जाएगा, देखना एक सेकेंड बस देखो एक सेकेंड। और ये एड फ्रेंड देखो फिर से एड फ्रेंड आ गया ना यहाँ पे, उसको उस अकाउंट को जाके भी फ्रेंड बनाना ही पड़ेगा तब जाके ये कॉलबैक इवेंट कंप्लीट होगा। एंड अगर आप किसी ऐसे अकाउंट में करते हो जो कि पहले की उस अकाउंट से कनेक्ट नहीं था तो उसमें आसानी से क्लेम हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे देखो फिर से करके दिखाता हूँ, देखो जैसे ही मैंने उस अकाउंट को फ्रेंड बनाया यहाँ पे देखो तुरंत क्लेम हो गया ना, इसी तरीके से बस आसानी से क्लेम हो जाएंगे। अपने सारे अकाउंट खोलो, बस खोल के उनको देखो, ऊपर आपको कॉलबैक इवेंट मिल जाएगा और सारे अकाउंट को फ्रेंड बना के रखो और कॉलबैक इवेंट आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। बस इसी इजी तरीके से कंप्लीट करना, मैंने अपने तीनों कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ मेरे को आइटम मिले कि नहीं मिले। अपने रियल अकाउंट में मैं आ चुका हूँ और आपके सामने भी आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड रुको, ज़रा सब्र करो बस, अभी दिखा देते हैं तुम लोगों को। ये देखो आ गया नहीं यहाँ पे क्लेम करने का ऑप्शन, तो मैं इसको क्लेम भी कर लेता हूँ। ओके तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने कॉलबैक इवेंट कंप्लीट किया है कि नहीं किया। इस बार कॉलबैक इवेंट में जो आपको यहाँ पे लूट बॉक्स दिया गया ये आपको कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आपने कंप्लीट नहीं किया तो मुझे बोलना, करवाएंगे आप लोग अगर भी कंप्लीट। एंड आपको एक ईजी ट्रिक और बता दूँगा किसी तरीके से कैसे आपको आसानी से क्लेम करना है अगर नेक्स्ट टाइम पर आपको देखने के लिए मिलता है तो। और अभी मुझे जहाँ तक लगता है इस बार 3 ही कॉलबैक इवेंट दिए गए, 3 ही फ्रेंड को रेफर करना है, तो आप आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आज का वीडियो आपको पसंद होगा, पसंद लगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।